नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी गार्लिक चिकन। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, तो चलिए देखते हैं कि गार्लिक चिकन मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो के एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच नींबू के रस से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख लिया है। अब जो मैं करूँगी, प्रेशर कुकर में हमें ये रेसिपी बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और एक चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, दो तीन इलायची और दो दालचीनी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। करके जैसे ये थोड़े मसाले भून जाते हैं, उसके बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ है उसको हम इसमें दे के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम में। इससे चिकन में बहुत सारे जूसेस भी निकलेंगे। उसके साथ ही हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हम मसाला बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज लिए हैं, बहुत सारे लहसुन की कलियाँ और 5 से 6 मैंने हरी मिर्च का यहाँ पर लिया है। अदरक हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, तो अदरक मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। वो पेस्ट हम अब चिकन में ऐड कर लेंगे। करके हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है लो फ्लेम में। इस चिकन को हम अब लो फ्लेम में ही पूरा पकाएंगे। उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। 1.5 चम्मच हम यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। करके हम अब अच्छे से मसाले के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। ये चिकन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत ही अच्छी बनती है और इस रेसिपी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम में बनाना होता है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं पसंद करते हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 2 साबुत लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पर ऐड किए, पूरे साबुत लहसुन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब हम इन मसालों के साथ लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मैं चिकन को जो है प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने आलू को चिकन के साथ नहीं फ्राई किया है। आलू को मैं अलग से एक कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसे चिकन के साथ ऐड कर दूँगी। देखिए, आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, मैंने चिकन के साथ इसमें ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मसाले के साथ चिकन जो है अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें गर्म पानी, मैंने यहाँ पर करीबन 2 कप गर्म पानी यूज़ किया है। करके हम अब 2 सीटी तक इसे पकाएंगे। जैसे ही 2 सीटी हो जाएगी तुरंत इसे हमको बंद कर देना है, नहीं तो चिकन जो है वो ज़्यादा गल जाएगा। देखिए, 2 सीटी हो चुकी है और ये रेसिपी बिल्कुल बनके बिल्कुल रेडी है। आज बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।